अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग में शॉपिंग और इफ्तार में की हूँ, बाहर घर पे नहीं बनाई हूँ। तो चलिए आप लोग आज को ब्लॉग में दिखाती हूँ बहुत सारी चीजें शॉपिंग की। कुछ चीजें मैं एक्सचेंज भी की और उसके बिना तो मेरा कुछ शॉपिंग कंप्लीट होता नहीं है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेस्ट्रो और ये शाम का हो रहा है, 4 या 5 बज रहे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है क्या। ये है इस एरिया का ईदगाह, नेशो हाइपर मार्केट उसके पास में पड़ता है देरा। ये ईदगाह है, देखो इतना बड़ा है कि इसमें लगता है 10,000 आदमी एक साथ खड़ा हो सकता है। इसमें एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, पूरा साल ऐसे खाली होता है। सिर्फ ईद के दिन इतना भीड़ होता है कि आपको जगह नहीं मिलता है यहाँ। सिर्फ ईद के दिन, ईद और बकरीद के दिन, यही 2 दिन बस एक बंदा दिख रहा है। और ये कल का यहाँ देखने लायक, ये बड़ा बड़ा ऐसे बॉक्स लगा है क्योंकि नमाज होगी, अजान होगी तो उसके लिए, आवाज के लिए। तो इतना बड़ा बड़ा बुफे या फिर क्या कहते हैं इसको, बॉक्स वही लगा है। तो ये बस जब ईद और बकरीद आती है तभी लगता है पूरी साल ही खाली होता है, एक बंदा भी, क्योंकि ये डोर मतलब इसका बंद होता है, लॉक किया रहता है तो कोई भी अंदर नहीं जाता। तो ये है ईदगाह। मैं तो बस इसको देखती हूँ, ये कहती हूँ कि काश खोल दे, बच्चों लोग को खेलने के लिए हो जाएगा, बंद करके क्या मिल रहा है। ऐसे भी इसमें है क्या कि कोई जाके इसमें क्या तोड़ फोड़ देगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाउंड्री किया हुआ है, पूरा मैदान खाली है। तो ये शाम के बज रहे हैं देखिए 4:30, और मैं तो प्लान करके जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब इफ्तार के बाद और ईशा का नमाज के बाद बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत तो बहुत। और जब काउंटर पे लाइन लग करके जो खड़े होते हैं ना 1 घंटा, वो सबसे बुरा लगता है। भीड़ तो चलो ठीक है, मैं भी शॉपिंग कर रही हूँ, वो भी शॉपिंग कर रहे हैं, पर तो मैं बोले कि नहीं चलो सारे इस टाइम जाती हूँ। असर का नमाज पढ़ के मैं निकली और यहाँ आने के बाद ज्यादा भीड़ नहीं था, बस ज्यादा ज्यादा 10-20%, 100 में तो 20% ही लोग यहाँ थे, ज्यादा नहीं थे। और इफ्तार के टाइम तो मैं सोच के आई थी, मैं हस्बैंड को बोल दी थी कि मैं जा रही हूँ, जब 6 बजेगा या 6:15 होगा तो आप आ जाइएगा। तो हस्बैंड बोले ठीक है, वो कार से आ जाएगा तो मुश्किल से 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल मैं और निशाज और निजात यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे। तो निशाज के लिए लेना है शूज, और ये मुझे चप्पल इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही छोटा सा था, मुझे तो लेना नहीं था पर मुझे अच्छा लग रहा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और सोच तो मैं देखी जा रही हूँ, निशास कह रहा है बस जो पसंद है मम्मी वो ले ले। मैं बोले जो पसंद है वो कैसे ले ले, तुम्हें क्या पसंद है। तो उसे खैर एक सोच पसंद आया तो उसकी प्राइस 119 थी। मैं बोली ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ कम प्राइस का दे। तो कहता है मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं, मुझे पसंद आ गया इसलिए मैं बोल रहा था। टी शर्ट में देख रही थी, निशास के लिए एक टी शर्ट भी लेना था क्योंकि एक ही ली मैं, हर साल बच्चों को कपड़ा कम से कम 2 पेयर तो लेती हूँ, मतलब एक पेयर में दो होता है, मतलब 2 जोड़ा वो लेती हूँ। तो मैं बोली कि चले एक और टी शर्ट ले लेती हूँ, मजार का तो बहुत सारा है क्योंकि निशास का कई ऐसा टी शर्ट है जो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, खराब भी नहीं होता, छोटा हो जाता। तो खैर निशास पहन लेता, निजार पहन लेता, तो निशास के लिए मैं बोली चल एक ले लेती हूँ। तो इन दोनों में मुझे पसंद कलर तो प्यारा था, पर निशास थोड़ा स्लिम है ना तो उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मैं ट्राई रूम में ट्राई कर रहा था इतना लूज हो रहा था, कहने नहीं ये देखे हेयर पिन है और ये बटरफ्लाई बनी, प्यारा तो लग रहा है पर ये बात ये है ना कि मैं तो ऐसा यूज कभी नहीं करती, आज तक मैं कभी यूज नहीं की क्योंकि इतना हैवी सर में दर्द हो जाता है, बस मुझे अच्छा लग रहा था। और सबसे ज्यादा अच्छी वाली बात कि मुझे जिस सब पर्स का इंतजार था, मतलब इंतजार क्या था, क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी बट प्राइस भी सबका 50, 60, 70, 100, 100+। पर ये मुझे पर्स ना इतनी अच्छी बट प्राइस में मिली कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं ये पर्स देखकर बहुत खुश हो गई। और इधर मिल रही है स्वीट्स, जैसे कि ये है बिस्किट्स गिफ्ट करने के लिए, मतलब गिफ्ट किसी को ईद में वगैरह। और इधर सारा जैसे क्या मैं बताऊँ, सो एक दो स्वीट का नाम मुझे पता है, जैसे कि ये है बखलावा कहते हैं इसको, स्वीट का नाम है अरेबिक स्वीट है। तो मैं सोच रही कि इसे ले ली तो अच्छा लगता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये भी मैदा ही का बनाता है, चीनी ही होता है। और इधर लगा है कुनाफा है, तो मैं कुनाफा नहीं ली क्योंकि कुनाफा बहुत मीठा होता है, इतना चीनी होता है ना मुझे घबराहट होने लगती है, बहुत ओवर होता है, इसलिए मैं कुनाफा नहीं ली। तो क्योंकि मैं जो ग्लोबल विलेज गई थी वहां खाई थी, तो ये 7 दरम का 250 ग्राम लगा है। अब समझ ले 7 दरम से मतलब 30 दरम, 28 दरम केजी आ जाएगा, 7 दरम से तो 38 ही होगा, 30 होगा। तो ये केजी के हिसाब से तो मैं ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि बच्चे तो ये सब नहीं उतना खाएंगे। हाँ केक वगैरह वो लोग खा लेते हैं, तो ये ईद का केक भी मतलब इतना छोटा, मतलब कि 40 तक ठीक प्राइस था, मतलब 69-70 सिर्फ ईद मुबारक जो लिखा है। निशास काफी टाइम से ये केन वाली केक के लिए कह रहा था,
और तुम्हें बोली कि चलो तुम क्या कहते हो कौन सा ले ले, बोले नहीं केन वाला केक ले ले, बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हुए हो गए। इफ्तार के टाइम तो नहीं हुई थी, पर मुझे पता था कि ये इफ्तार मतलब इफ्तार का सारा स्पाइस मतलब कि ये पकौड़ा वगैरह मिल रहा था, तो उधर से मैं वो ले ली। फिर निशास को मैं बोली कि जाओ तुम उधर से फ्राइड चिकन वगैरह ले लो, और इधर फ्रूट्स मिल रहा था 5 ग्राम का बॉक्स अपनी मर्जी का मिक्स फ्रूट ले ले। पर फ्रूट्स मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था लेने का, तो मैं ना सिर्फ वाटर मिलन और मिक्स मिलन ली। मतलब कि 2 ग्राम का वाटर मिलन था और वो हाफ जो कटा हुआ 1.5 ग्राम का, तो मिला के कितना हुआ 3.5 ग्राम। मैं बोली इसको कट करके बॉक्स में दे दे, कट करने का कितना लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम 6 ग्राम। ओ माई गॉड, ये तो कट करके दी ना मुझे 20 धरम का बना दी। मैंने 20 धरम, 2 धरम का चीज 20 धरम। मैं बोली सीधा रख दी, मैं नहीं लिया। आप खुद देखेंगे अभी वीडियो में कि वो 20 धरम का दिख रहा था। मेरे ना वॉइस रिकॉर्डिंग करने में ना कुछ रूम का कुछ ऐसा नहीं, रूम खाली है तो उस तरह का आवाज आ रही है। देखिए इफ्तारी के लिए यहाँ मतलब कि पहले से निशाज निजार बुक करके रख लिए थे, नहीं तो इतना भीड़ हो गया था ना कि मतलब चेयर ही नहीं मिल रहा था। तो निशाज लिया फ्राइड चिकन, मैं लेके आई बिरयानी और समोसा, जूस, पानी, तो कस्टर्ड, फ्राइड चिकन था और पोटैटो चिप्स। तो फिर हस्बैंड बस आ गए थे और मुझे देख के हंस रहे थे। मुझे पता नहीं तुम्हें क्या है, कैसा लगता है बाहर इस तरह से। मैं बोली सिर्फ मैं ही तो नहीं, यहाँ देखे कितने लोग हैं, तो वो हंस रहे थे मुझे देखकर। खैर हम लोग इधर अजान के लिए वेट कर रही हूँ, अजान के लिए भी टाइम 20 मिनट थी, मगर क्या करें चेयर के लिए तो बहुत ज्यादा मुझे बहुत बुरा फील हुआ। काफी लोग थे जो मतलब इफ्तारी बैठ करके नहीं कर सक रहे थे क्योंकि चेयर नहीं था। कुछ बहुत सारे फैमिलीज खड़ा होकर के किए वहां पे इफ्तारी, क्योंकि जगह ही नहीं था। फिर हम लोग इफ्तारी करने के बाद फिर से शॉपिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि ज्यादा मतलब कि सामान चॉकलेट वगैरह लेना, क्योंकि ईद है बच्चों की खुशी के लिए तो ये तो बनता ही है। तो बस मैं कह रही हूँ ये चॉकलेट लूंगी, निशास कह रहा है मुझे ये चाहिए, मैं कह रही हूँ ये लूंगी, ये निशास कह रहा है तो खैर ले लो, तुम लोगों को क्या खाना तो खाना, तो तुम ही लोग मुझे तो नहीं खा। हाँ ये चॉकलेट मेरा मोस्ट फेवरेट में है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये कम प्राइस में भी आता है 10 धरम में, पहले तो 7 धरम में मिलता था, अब 10 धरम में कर दिया, पर ये बहुत अच्छी होती है इसकी टेस्ट। तो इधर से शॉपिंग करने के बाद चॉकलेट वगैरह ली और इधर आ गई मैं इधर कॉस्मेटिक में। फिलहाल मुझे कॉस्मेटिक कुछ लेना नहीं था, फिर भी मैं देख रही थी कि 25% में क्या चीज है, क्योंकि मेरे पास कॉस्मेटिक है और नहीं भी है तो फिर मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कॉस्मेटिक में। मुझे जो लेना था मैं अपनी बहन के लिए लेकर भेज दी। तो मैं देख रही थी कि चले क्या क्या है, तो ये जैसे कि कंसीलर है 4 कलर का, तो पता नहीं क्या 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 मुझे दिखे जा रहा था। जो वीडियो देख रहे हैं सर उन्हें पता होगा कि ये क्या, ये सही हाईलाइटर है तो नहीं, हाईलाइटर था कि लूज पाउडर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना है कि 25 पर, और किसी का टेस्टर भी नहीं है, जिसका टेस्टर ही इतना खराब। इस लिपस्टिक में टेस्ट की ना हाथ पे मैं उसका एक स्वेच निकाली, बस देखा इतना मतलब चिपचिपा था। मैं बोले कि बस टेस्टर भी नहीं है, ऐसे एवे कैसे ले लेगा आदमी, जब तक उसको टेस्ट ही नहीं करेगा, जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा, कोई इसको बताने वाले भी लोग भी यहाँ पे नहीं थे। तो इसलिए मैं बस अपने मन से ही देखी देखी मैं बोली कि चलो, इसलिए इसको कोई खरीद नहीं रहा है जब तक इसके मतलब ऐसे ही भी ये मतलब फेमस ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, फेमस ब्रांड है। फिर भी देखिए लिपस्टिक कितना बुरा कर दिया है इसको। तो ये तो बस जिसको इसके बारे में पता है 25% में अच्छी खासी मिल जाएगी है। तो मैं लेकर आई मेहंदी, तो ये जरूरी था, मैं मेहंदी लगाने के लिए कह रही थी कि मैं जाऊंगी, तो बस हस्बैंड के पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं गई नहीं हूँ। पार्लर में जाऊंगी तो वहां कम से कम 50 धरम लगेगा मेहंदी लगाने की, और इतना भीड़ होता है, मैं जिस सैलून से लगवाती हूँ वहां तो लगता है समझो, मुझे लगता है यूएई का सबसे फेमस सैलून है मेहंदी का है, इतना भीड़ होता है। ये मैं निशाज के लिए लेकर आई टी शर्ट और ये लेकर आई शूज, और शूज तो अच्छे हैं क्योंकि जैसा निशास का ड्रेस है सेम वैसा ही मैचिंग है, तो उसको बहुत पसंद है क्योंकि यही कॉम्बिनेशन का उसका ड्रेस है। शूज मैं लेकर आई, उसको पता है उसके पापा का होता 42 और निशास का 42। मैं बोले अल्लाह निशास कितना जल्दी तुम बड़े हो गए, तुम्हारा पैर कितना बड़ा हो गया, तुम तो पापा के साइज के शूज पहनने लगे। तब मेरे हस्बैंड कह रहे ये देखिए स्कूल का शूज लेके आई हूँ, ये 95 धरम का और ये मुझे ऑफर में मिला 90 धरम का, दोनों सब सेम ही प्राइस का लगभग है, मतलब इंडिया का 2-2 हजार का है दोनों शूज, एक स्कूल का 2 हजार का, एक घर का मतलब कि रेगुलर यूज करने के लिए। मतलब ये है कि क्वालिटी दोनों का सेम है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है, ये नेस्टो का ही है, कोई इंटरनेशनल बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, पर हाँ अच्छी कंपनी की है ये, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। इफ्तारी में बच गया समोसा पाव और ये एक आलू का पकौड़ा ही था, वो बच गया, तो वो मैं लेकर आ गई थी। अब खाने की चीज को तो जाया नहीं होने देती ना, मैं फेंक देती। मैं मैंने कि जब
और ये लिखाई बखलावा है, ये 250 ग्राम है, स्वीट्स का यही नाम है। तो ये ईद के दिन देखते हैं बच्चे खाते कि नहीं, मैं ट्राई करूंगी मीठा खाने के लिए। और ये केक फर्स्ट टाइम लाई हूँ, और निशास काफी टाइम से कह रहा था, मैं बोली पता नहीं बॉक्स के अंदर है कैसा है, दिख भी नहीं रहा, फिर भी कह रहा ले ले मम्मी ईद में, कह मतलब कि काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ, मुझे मतलब जो बॉक्स के अंदर है जिसका वो खोल के भी नहीं दिखा रहे, टेस्ट भी नहीं पता है, फिर कैसे ले लें। फिर भी उसके कहने पर ले गए, तो और मैं लेकर आई अपना ये मोस्ट फेवरेट अपना पर्स जो मैं अब तक ढूंढ रही थी, कम प्राइस में अच्छी चीज। ये लगता है मैं ईद में जो शॉपिंग की हूँ ना, सबसे अगर मैं किसी चीज से खुश हुई है तो मैं इस पर्स से। जैसा मुझे क्वालिटी चाहिए था अच्छी वाली, वो अच्छी वाली क्वालिटी है, और ज्यादा महंगा नहीं है, 29 दरम का, मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर ले, 22.65 है इंडिया का रेट, तो वही है, मतलब 600 से ज्यादा ही आएगा, 700 के लगभग में ये पर्स आ जाएगा। तो वही मैं बता रही थी कि ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो खैर मैं पर्स, हालांकि पर्स लेने का कोई इरादा नहीं था, तो सोच रही थी काफी टाइम से लूंगी लूंगी, पर ये नहीं था कि मैं नेक्स्ट जाके ले आऊंगी। अब मैं रूह का लेके आई हूँ बिरयानी मसाला, अभी शान का मसाला महंगा हो गया है और मार्केट में बहुत कम ही मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मैं रूह का लेके आई हूँ। तो इसका रिव्यू चेक किए तो बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग बता रहे थे, तो मैं बोली चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ इसका कैसा है रिव्यू, क्योंकि अभी यूएई में गया है। उसके बाद मैं आ गई आरएनबी, यूए में 4:30 बजे गई थी नेक्स्ट, और वहां से इफ्तारी वगैरह करने के बाद 8 बजे मैं आई घर। आने के बाद मैं बनाई दाल और चावल और कुछ भी नहीं, थोड़ा देर रेस्ट की, फिर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के 9:30 बजे फिर मैं निकली आरएनबी। यहाँ आकर के मुझे लेना था क्लेचर, और मेरा क्लेचर इतना हैवी हैवी मैं कभी लाइफ में यूज नहीं की, बस मैं देख रही थी कि इतनी हैवी मैं लगाऊंगी, मुझे क्लेचर मिल नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ से लूँ, जहां भी जाती हूँ पूरा बंडल ही मिल जाता है, 10 का तो 4 का तो 5 का मुझे चाहिए एक पीस। खैर मुझे यहाँ तो पसंद नहीं है। हाँ मैं आरएनबी क्लेचर ले निकली, नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ निशास को जो ड्रेस लेकर आई थी 4-5 दिन पहले, वो साइज में बहुत बड़ा आ गया, निशास अभी 12 साल का, मैं लेके आ गई 13 से, मतलब 14, मतलब कि 13 to 14 इसका ड्रेस। और ये जब पहन करते ना एकदम निशास, मतलब ऐसा मतलब लग रहा था मुझे पागल ही दिख रहा था, मुझे फुल क्रेजी लग रहे, मुझे इतना हंसी आई। ये पता है ये सैंडल देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैं अपने बचपन में ऐसा सैंडल एकदम पहनी, सिर्फ पर नहीं लगा था, डिजाइन एकदम यही थी, यही साइज थी, ऐसे ही हील थी, बहुत बहुत मुझे पसंद था वो चप्पल। तो ये इसलिए मैं इस सेक्शन में आके वीडियो बनाती हूँ कि मैं बचपन में इसी तरह से शूज पहनती थी अपने फ्रॉक पे, और ये इस तरह का सैंडल ये सब मेरी नानी भेजा करती थी कोलकाता से। तो यहाँ बिल काउंटर पे आ गई, उसको रिटर्न करने के लिए, तो निशास का सिर्फ साइज चेंज किया और मैं फिर से ले आई। फिर उधर से आते वक्त फिर मैं गई सुपर मार्केट, फिर मुझे चाट मसाला लेना था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना था, और भी शॉपिंग की। और ये देखे ये 25% के ऑफर में लगा है, जिसको 25% सिर्फ नेस्टो हाइपर मार्केट में लगा था, और यहाँ आरएनबी में 50 मतलब बाई वन गेट वन लगा है, एक खरीदे के साथ फ्री है, सेम उसी ब्रांड का। और ये मैं देख रही थी फेस मास्क, क्योंकि मैं पार्लर गई नहीं ना, मुझे फेशियल के लिए टाइम मिला और ना ये मतलब कुछ भी नहीं, मैं पार्लर गई, और पार्लर में अभी जाना बहुत बहुत मतलब आपको पैसा लग जाएगा, सर्विस सही नहीं मिलता क्योंकि बहुत भीड़ होता। तो बस इस सेक्शन में आके बस ये सोच ही रही हूँ कौन सा लूँ, मैं कभी भी फेस मास्क सिर्फ नहीं यूज किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लिखा तो बहुत कुछ होता है, मैं सोचती हूँ 15 मिनट में क्या काम कर जाएगा। फेसियल करवाने के बाद मुझे फेस थोड़ा सा बहुत अच्छा फील होता है, फेसियल करवाना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा हमेशा, पर हाँ कम से कम 3 महीना 6 महीना पे, क्योंकि मतलब स्किन मतलब कि डर्टी हो जाता तो वो क्लीन होता है ना, कि रंग गोरा हो जाता, पिंपल ठीक हो जाता, ये सब नहीं होता, वो सब बहुत लंबा हो चुका है। तो वीडियो को यहाँ से खत्म करते हैं, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करे और शेयर करे, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।